गुड मॉर्निंग। आज एक और कविता है जिसे मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, और ये एक कोशिश थी। बंबई के ऊपर ये कविता है, बहुत ही सटीक कविता। जब मैं बंबई आया था पंजाब मेल में स्लीपर टायर बैठ के, तो मैंने देखा कि 5:30 बजे ही लोग जाग गए हैं, बच्चे तैयार खड़े हैं, डब्बे वाले, मुलुंड, अजीबोगरीब नाम मैं देख रहा था। वो शहर जहाँ बच्चन साहब रहते हैं, वो शहर जहाँ ओमपुरी साहब रहते हैं, वो शहर जहाँ शेखर कपूर साहब रहते हैं, अब मैं भी शामिल हो रहा था। दादर में मैंने पहली बार भीड़ देखी। फिर मेरे एक दोस्त के साथ लोकल ट्रेन में बैठ के मैं एक ऐसी जगह पहुँचा जहाँ मुझे सेट कराया गया। मैंने एडवांस किराया दिया और अपने मित्र से कहा कि चलो भाई नहा धो के अपन हाजी अली चलते हैं। 33 नंबर बस में बैठकर हम हाजी अली गए। वहाँ सुल्तान को सलाम किया, अब तक सुल्तान ने इज्जत रखी। तो फिर उसी बस से लौटे और अपने घर पहुँच गए। घर में कोई था नहीं, कुकर में थोड़ी सी खिचड़ी थी वो खाई, और मैं खिड़की पर खड़े होकर देखने लगा बाहर, उसी दिन जिस दिन मैं बम्बई आया पहली बार। तो अचानक एक कविता उड़ के आई, पता नहीं कहाँ से, तो मैंने उसे नोट डाउन कर लिया, क्योंकि हमें संस्कार मिले हैं कि भाई कुछ ऐसी चीज़ आ जाए तो तुरंत लिख लो, क्योंकि हम भूल जाते हैं, तो लिख लेना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। तो वो कविता है ऐसी, हर दिन दिन निकलने से भी पहले शुरू हो जाती है जिंदगी, पेट भर सपनों और मन के विचारों से भी तेज उम्मीदों के सहारे हर एक को दौड़ा देती है जिंदगी, कुछ एक को देती है रंगीन शाम, बहुत कुछ को कृष्ण पक्ष में बहला फुसला कर सुला देती है जिंदगी, बहुत कुछ को दफन कर देती है जिंदगी, लेकिन फिर सुबह होती है, हर दिन दिन निकलने से भी पहले शुरू हो जाती है जिंदगी। धन्यवाद।